ऑफ यू, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, प्रथम वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कर्ता कारक, द्वितीय पाठ कर्ता कारक की जानकारी दी थी। इसमें मैंने कर्ता के रूप के विषय में बताया था। अब आइए पाठ के आधार पर हम एक बार पुनः कर्ता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्ता कारक, बालक किम करोत, बालक क्या करता है, यानी लड़का क्या करता है। बालक पठति लिखति ज्ञानम च अर्जयति, लड़का पढ़ता है, लिखता है और ज्ञान अर्जन करता है। इसमें बालक जो है वो कर्ता कारक है, इसके द्वारा पढ़ना, लिखना और ज्ञान अर्जन करना हो रहा है, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, इसीलिए बालक कर्ता कारक है। देव संस्कृतं पठति, देव संस्कृत पढ़ता है, इसमें संस्कृत पढ़ने का कार्य देव के द्वारा हो रहा है, इसीलिए देव कर्ता कारक है। यूयं पुस्तकं पठथ, यहाँ पर तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, यहाँ पर तुम सब यानी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, यह युष्मत् शब्द है यानी मध्यम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो यानी तुम सब के माध्यम से कहा गया है कि तुम सभी पढ़ते हो, यानी कर्ता जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन सर्वनाम शब्द यूयंग है। तो बालको किं कुर्ता, वे दो लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप आ गया, सर्वनाम आ गया है, द्विवचन में सर्वनाम आ गया है। तो बालको किं कुर्ता, वे दो लड़के क्या कर रहे हैं, वे दो यानी वे दो लड़के बालको किं कुर्ता, यह करता है दोनों बालक। बालको हंसता क्रीडतश्च, दो लड़के हंसते और खेलते हैं, यहाँ पर बालक क्या करते हैं, दोनों बालक हंसते हैं और खेलते हैं। तो बालको व्यायामं मल्लयुद्धं च कुर्ता, वे दो लड़के व्यायाम और कुश्ती कर रहे हैं, इस तरह से वे दोनों लड़के जो हैं वो कर्ता कारक हैं। कृषक जलम आनयति, किसान जल लाता है, जल लाने का कार्य किसान के द्वारा किया गया है, अतः कर्ता कारक कृषक हो गया, किसान हो गया। कृषको वृष्टि जलेन किं कुर्ता, अब दो किसान जो है वो वर्षा के जल से क्या करते हैं। कृषको वृष्टि जलेन क्षेत्रं सिंचता, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि दो किसान वर्षा के जल से क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। यहाँ पर जो है कृषको वृष्टि जलेन क्षेत्रं सिंचता, यहाँ दो किसान जो हैं वो वर्षा के जल से खेत को सींचते हैं। वानर फलं खादति, बंदर क्या खा रहा है, फल खा रहा है। वानर फलं खादति यानी कर्ता वानर हो गया, इसके माध्यम से ही फल खाने का कार्य हो रहा है, अतः वानर बंदर जो है वो कर्ता कारक है। वानरो वृक्षो परी कुर्दता, जैसे यह वानर एक वचन में है, इसी तरह यह वानर द्विवचन में, दो बंदर, इसका अर्थ दो बंदर है, वानरो दो बंदर, दो बंदर वृक्षो, वानरो वृक्षो परी कूदता, दो बंदर पेड़ पर कूदते हैं। वानरा अत्र निविशंति, अनेक बंदर यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर वानरा वानरो वानरा यानी वानरा बहुवचन है, यहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं। इस तरह से कर्ता कारक के विषय में हमने उसके उसकी परिभाषा को भी जाना, उसके प्रकार को भी जाना और पाठ के आधार पर भी हमने सारे वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ और कर्ता कारक कौन कौन से हैं इसे मैंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको बता दिया। आगे के पाठ लेकर, तृतीय पाठ लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।